मतलब सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ा है। रॉयल एनफील्ड की किसी और बाइक में इतना बड़ा टायर आपको देखने को नहीं मिलेगा। TFT डिस्प्ले के साथ में आता है, फुल्ली कलरफुल आता है, गोरिल्ला आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाएगा। 12 टोन कलर के साथ साथ यहाँ पे पर्पल देखने को मिल जाता है और गोरिल्ला भी टैंक के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये है न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 नेकेड रोस्टर डिजाइन के साथ में। इंडियन मार्केट में कंपनी ने इसको लॉन्च कर दिया है। आप अब जाके सभी शोरूम्स में इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, इस बाइक को टेस्ट कर सकते हो और अपने लिए चूज कर सकते हो। ये बाइक बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि कंपनी ने इसको हिमालयन के टक्कर पे लॉन्च किया है, तो वहां पे आपको ज्यादा वेट, ज्यादा बड़ी बाइक और ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कम प्राइस और कम इसका वेट मिलेगा। डिजाइन काफी अच्छा मिलेगा, मोर एक्सेसिबल है एज कम्पेयर टू हिमालयन। और यहाँ पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, ग्राफिक्स काफी अच्छे मिलते हैं, उसी के साथ साथ मीटर इसका TFT डिस्प्ले के साथ में आता है, फुल्ली कलरफुल आता है, गोरिल्ला आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाएगा। जब ये ऑन होता है यहाँ पे आपको काफी अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है हैंडल के ऊपर। वही स्विच गियर आता है जो हिमालयन के अंदर भी आता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही साइड में काफी अच्छे स्विच गियर मिल जाते हैं। हैंडल भी काफी अच्छे ग्रिप के साथ में आता है। यहाँ पे आप देखो 11 लीटर का फ्यूल टैंक और E20 का ब्लेड भी यहाँ पे मिल चुका है। फ्यूल कैप पूरा साइड में दिया है और उसको पूरा फ्लैट बनाया गया है, ऊपर उठा हुआ नहीं है। ये काफी अच्छा लगता है इसका डिजाइन भी। और मिड साइज यहाँ पे सीट दे रखी है जिसकी हाइट है 780 mm, तो काफी कंफर्टेबल सीट हो जाती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ पीछे आपको काफी अट्रैक्टिव चीज है, वो जो है इंटीग्रेटेड बैकलाइट और इंडिकेटर दोनों एक साथ ब्लिंक करते हैं और ये काफी अट्रैक्टिव लगता है। नीचे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है जो कि प्रॉपर मेटल का ही है। और उससे पहले मैं दिखाऊंगा यहाँ पे फुट रेस्ट मिल जाते हैं, ये भी आपको मेटल के ही मिलते हैं, रबड़ यहाँ पे यूज नहीं की गई है, ये मेटल का ही है। और नीचे आपको पेन चैन सेट मिल जाता है और टायर साइज यहाँ पे 160/60/17 inches के अलॉय व्हील के साथ में मिलता है। ये मतलब सेगमेंट में सबसे ज्यादा बड़ा है। रॉयल एनफील्ड की किसी और बाइक में इतना बड़ा टायर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको मोनोसॉक सस्पेंशन मिल जाता है अब्सॉर्बर टाइप का, जो काफी अच्छा वर्क करता है क्योंकि यही मोनोसॉक सस्पेंशन हम पहले देख चुके हैं। गोरिल्ला 450 की स्टिकरिंग साइड पैनल्स पे, ग्राफिक काफी अच्छे लगते हैं, ये कलर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अंदर कितने और कलर्स आते हैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, इसका प्राइस कितना है, एग्जॉस्ट साउंड सारी बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक और कलर मिलता है जो है इसका डुअल टोन कलर और ये है इसका टॉप मॉडल। और इस कलर के अंदर आपको 12 टोन कलर के साथ साथ यहाँ पे पर्पल देखने को मिल जाता है और गोरिल्ला भी टैंक के ऊपर देखने को मिल जाता है विद ग्राफिक्स। और साथ में आप फ्यूल टैंक देखो कितना प्यारा लग रहा है जो साइड में इसको दिया है राइट साइड में। किसी और बाइक में आपको ये चीज देखने को नहीं मिलती है रॉयल एनफील्ड की। यहाँ पे आपको कितना बड़ा टायर देख ही सकते हैं, कितना प्यारा लुक आ रहा है। 270 mm का पीछे डिस्क ब्रेक, 310 mm का आगे डिस्क ब्रेक और यहाँ पे एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊंगा। इसका फ्रेम भी रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन से ही लिया है लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। इंजन की बात करूँ तो सेम इंजन है, हिमालयन वाला ही यहाँ पे इंजन है। लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर पावर प्रोड्यूस करता है 40.0 PS की और टॉर्क है 14 Nm का। 6-speed गियरबॉक्स के साथ में ये बाइक आती है। और अगर आपको टूल किट वगैरह यूज करनी है तो यहाँ से आप अपनी सीट ओपन करके सीट के अंदर टूल किट को निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको काफी अच्छे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि फ्लैश यहाँ पे टॉप मॉडल है, इसके अंदर दो कलर ऑप्शन आते हैं, ये दोनों आप देख ही सकते हैं। उसके साथ में सेकंड मॉडल है डैश, यहाँ पे भी दो कलर ऑप्शन ले सकते हैं, ब्लैक एंड इसके बाद ये आता है गोल्ड डीप। उसके बाद इसका बेस मॉडल आता है एनालॉग के साथ में, इसके अंदर भी दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, ये इसका सिल्वर और ये आता है इसका ब्लैक, जो कि डैश मॉडल से ही लिया गया है, बस एनालॉग उसमें लग जाता है। यहाँ पे आपको 450 cc का इंजन तो मिलता है लेकिन वेट इसका काफी कम मिलता है एज कम्पेयर टू हिमालयन। वहाँ पे आपको 196 kg का वेट मिलता है, यहाँ पे आपको 185 kg का वेट मिल जाता है। ये अब आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ में आती है, 169 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और अगर इसको कंपेयर करें हिमालयन से तो वहाँ पे 220 mm की बहुत ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ऑफ रोडिंग को प्रॉपर बाइक बनाई गई है, इसको रोडस्टर बनाया गया है। और यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट साउंड में सुनाता हूँ, ये था इसका साउंड। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप मुझे। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको रैप करते चलाते हैं तो यहाँ पे एक एफर्टलेस राइड का एक्सपीरियंस होता है, तो ये काफी अच्छी आपको बाइक मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पे। प्राइस की बात कर लेते हैं तो बेस मॉडल का प्राइस है 270,000 rupees ऑन रोड और 295,000 rupees टॉप मॉडल का प्राइस है। यह है दिल्ली के प्राइस, आप अपनी सिटी का प्राइस मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 310 mm का काफी बड़ा बाइबर के कैलिपर्स ABS के साथ में आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक, जिससे आपकी ब्रेकिंग काफी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे मिलते हैं अलॉय व्हील्स, जिसका टायर साइज कितना बड़ा आप देख ही सकते हैं। 120 सेक्शन का टायर है जो क्लासिक में पीछे मिलता है, वो इसके अंदर आगे लगा के दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, चाहे आप ले लो बेस मॉडल या आप ले लो टॉप मॉडल। और कोई भी चेंजेस इतना बड़ा यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपको ये मीटर मिलता है बेस मॉडल में और बाकी आपको कलर ऑप्शन का डिफरेंस मिल जाता है। ये दो फैक्टर है, अगर आप चाहो तो 25,000 rupees सेव कर सकते हो बेस मॉडल के लिए, अदरवाइज आपको ये डिस्प्ले लेनी है TFT फुल्ली कलर तो फिर आप इस टॉप मॉडल की तरफ जा सकते हो। आपको ये बाइक पड़ेगी 295,000 rupees की, 295,000 rupees ऑन रोड डेली की ये प्राइस है। आपको
सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, फिर भी कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस की बनाऊंगा मैं, आप इसको ईएमआई पे कैसे ले सकते हो, अगर आपका बजट कम है आपको कम डाउन पेमेंट पे ये बाइक कैसे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।